दोस्तों वेलकम बैक टू मैं जहां। इस वीडियो में आज हम बात करेंगे कुछ आने वाली बड़ी मूवीज की ओटीटी रिलीजिंग अपडेट के बारे में। कौन कौन सी मूवीज आपको आने वाले दिनों पे ओटीटी प्लेटफॉर्म पे देखने को मिल जाएगी सब बताएंगे इस वीडियो में। तो जानने के लिए प्लीज वीडियो को पूरा देखें और अगर वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर जाना। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो को शुरू करते हैं। तो चलिए यहाँ पे सबसे पहली अपडेट है हमारे पास एक पंजाबी मूवी की। मूवी का नाम है मनसूबा। ये मूवी 5 जनवरी को थिएटर्स में रिलीज हुई थी और ये एक फैमिली ड्रामा मूवी है जिसको आप अपनी पूरी फैमिली के साथ बिना किसी डाउट के देख सकते। अब काफी सारे लोग इस मूवी के ओटीटी रिलीजिंग का वेट कर रहे थे तो हम आपको बता दें इसकी ओटीटी रिलीजिंग अपडेट हमारे पास निकल के आ चुकी है। मूवी आपको देखने को मिलेगी चौपाल टीवी के ओटीटी प्लेटफॉर्म के ऊपर। अगर हम बात करें इसके रिलीजिंग डेट के बारे में तो आपको ज्यादा इंतजार नहीं करना पड़ेगा। ये मूवी आपको आने वाली 9 मार्च को देखने को मिल जाएगी चौपाल टीवी के ऊपर पंजाबी लैंग्वेज में। तो चलिए नेक्स्ट अपडेट की बात कर लेते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास यहाँ पे मलयालम इंडस्ट्री की मूवी ब्रह्मयुगम के बारे में, जो की एक हॉरर थ्रिलर मूवी है। ये मूवी लास्ट मंथ ही 15 फरवरी को थिएटर्स में रिलीज हुई थी। अगर हम बात करें इस मूवी की IMDb रेटिंग के बारे में तो वो है 8.4 out of 10। मूवी को थिएटर्स में काफी ज्यादा पसंद किया गया है और ये मूवी हिट भी हो चुकी है बॉक्स ऑफिस की कलेक्शन के हिसाब से। तो अब काफी सारे लोग इसकी ओटीटी रिलीजिंग का वेट कर रहे थे तो यहाँ पे सोनी लिव की तरफ से इस मूवी के ओटीटी रिलीजिंग को कन्फर्म कर दिया गया है। उनके ट्विटर के द्वारा यहाँ पे इन्फॉर्मेशन दे दी गई है ये मूवी आपको सोनी लिव के ऊपर 15 मार्च से देखने को मिलने वाली है। लेकिन अभी तक ये कन्फर्म नहीं हुआ कि ये मूवी आपको हिंदी में देखने को मिलेगी या नहीं, लेकिन 15 मार्च को आपको ये मूवी साउथ इंडियन लैंग्वेज में कंफर्म देखने को मिलेगी। तो चलिए नेक्स्ट अपडेट की बात कर लेते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास यहाँ पे ऋतिक रोशन स्टारर मूवी फाइटर के बारे में, जो कि इसी साल 25 जनवरी को थिएटर्स में रिलीज हुई थी। मूवी ने बॉक्स ऑफिस पे बहुत ही अच्छी कलेक्शन की है। यहाँ पे 300 करोड़ से ऊपर इस मूवी ने वर्ल्ड वाइड बॉक्स ऑफिस कलेक्शन कर ली है। अगर हम बात करें इस मूवी की IMDb रेटिंग के बारे में तो वो है 6.9 out of 10। जिन्होंने भी ये मूवी देखी है उन सभी ने इस मूवी के एक अच्छे रिव्यूज दिए हैं। काफी सारे लोग इस मूवी को थिएटर्स में मिस कर चुके होंगे और देखना चाहेंगे इसको ओटीटी प्लेटफॉर्म के ऊपर। हम आपको बता दें इसका ओटीटी प्लेटफॉर्म नेटफ्लिक्स है जो कि कंफर्म कर दिया गया है। और अगर हम बात करें इसके रिलीजिंग डेट के बारे में, ये आपको नेटफ्लिक्स के ओटीटी प्लेटफॉर्म पे कब तक देखने को मिलेगी, तो ये मूवी आपको इसी मंथ 21 मार्च को देखने को मिलने वाली है। जी हाँ, 21 मार्च को ये मूवी आपको हिंदी लैंग्वेज में नेटफ्लिक्स के ऊपर देखने को मिल जाएगी। चलिए नेक्स्ट अपडेट की बात कर लेते हैं। नेक्स्ट मूवी है यहाँ पे हमारे पास बॉलीवुड मूवी क्रैक की ओटीटी अपडेट, जो की एक एक्शन स्पोर्ट्स मूवी है। इस मूवी को भी थिएटर्स में लास्ट मंथ ही 23 फरवरी को रिलीज किया गया था। मूवी के रिव्यूज मिक्स आए थे, किसी को ये मूवी अच्छी लगी थी और किसी को ये मूवी अच्छी नहीं लगी थी। मूवी की IMDb रेटिंग है 6.5 out of 10। मूवी ने बॉक्स ऑफिस कलेक्शन की है 14 करोड़ के करीब, जो कि इस मूवी को एक फ्लॉप मूवी साबित करता है क्योंकि ये मूवी 50 करोड़ के बजट के साथ बनाई गई थी। तो काफी सारे लोगों ने इस मूवी को थिएटर में मिस कर दिया है और इस मूवी को अब वो ओटीटी प्लेटफॉर्म के ऊपर देखना पसंद करेंगे। तो हम आपको बता दें इसका ओटीटी प्लेटफॉर्म डिज्नी प्लस हॉटस्टार कंफर्म हो चुका है। और अगर हम बात करें इसके रिलीजिंग डेट के बारे में तो ये आपको डिज्नी प्लस हॉटस्टार के ऊपर नेक्स्ट मंथ 19 अप्रैल को देखने को मिल जाएगी। तो चलिए यहाँ पे हमारे पास नेक्स्ट अपडेट है शाहिद कपूर स्टारर मूवी तेरी बातों में ऐसे उलझा जिया की ओटीटी रिलीजिंग अपडेट। ये मूवी भी थिएटर्स में लास्ट मंथ ही 9 फरवरी को रिलीज की गई थी। वैलेंटाइन वीक में रिलीज होने की वजह से इस मूवी को काफी बढ़िया बॉक्स ऑफिस कलेक्शन मिली थी। अभी तक इस मूवी ने 80 करोड़ की बॉक्स ऑफिस कलेक्शन कर ली है इंडिया में और इस मूवी ने वर्ल्ड वाइड 130 करोड़ से ऊपर की कलेक्शन कर ली है, जो कि इस मूवी को एक हिट मूवी साबित करता है। इस मूवी की IMDb रेटिंग है 7 out of 10। और अब काफी सारे लोग इस मूवी के भी ऑलरेडी रिलीजिंग का वेट कर रहे थे तो हम आपको बता दें ये मूवी आपको प्राइम वीडियोज के ऊपर देखने को मिलेगी, ये बात कंफर्म हो चुकी है। और इसकी रिलीजिंग डेट भी निकल के आ रही है हमारे पास। अपडेट की माने तो ये मूवी आपको 5 अप्रैल को प्राइम वीडियोज के ऊपर देखने को मिल जाएगी। तो यही थी कुछ आने वाली बड़ी मूवीज की ओटीटी रिलीजिंग अपडेट। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। हम आपसे मिलते हैं ऐसे एक न्यू ओटीटी अपडेट के साथ, तब तक के लिए थैंक यू।